गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने पति के साथ अपने ससुराल। मेरा मन तो नहीं था, बहुत रो रही थी आज। तो फाइनली एक महीने रुकने के बाद मैं अपने मायके से ससुराल जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग बोलोगे कि इतने दिन अपने मायके में ही पड़ी रहती है, तो मैं बताना चाहूंगी, तुम बताओ इतने दिन अब मैं अपने मायके में क्यों थी। तो हम लोग बहुत बड़े ट्रैफिक में हैं। अभी जस्ट मैं अपने घर से निकली हूँ, तो मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। और बताओ मैं इतने दिन अपने मायके में क्यों थी। और गाइस देखो, मैंने नया नया चूड़ा भी पहन लिया है। अब मैं लग रही हूँ न्यूली ब्राइड। और तो अभी मैं जा रही हूँ गोरखपुर से लखनऊ। मैंने सोचा नहीं था मैं ब्लॉग करूँगी, बट मेरा मन हुआ कि मैं ब्लॉग कर लूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग स्टिक लेकर आई थी। कुछ बोलो यार, मैं बोर हो रही हूँ। बोलोगे तब उसको, आप लोगों से बहुत शर्मिंदगी होती है, मतलब आप लोगों के सामने बहुत शाय फील करते हैं वो। बाकी ऐसे अकेले में बहुत बोलते हैं, अकेले में बोल दो फिर तो इतने जोक मारेंगे, इतनी सारी बातें करेंगे। और ऐसे इनसे बोल दो बोलने के लिए। अभी आप लोग बुलवा लो, जरा बोलना कुछ। आप लोग सोचो बस, हैप्पी जर्नी बोल दो मुझे। मुझे पता है आप जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक मैं पहुंच चुकी रहूंगी, आई थिंक 3-4 दिन बाद तक। और मेरे साथ बहुत सारा सामान है। आप लोगों को तो पता ही है कि जब लड़कियां अपने ससुराल से घर आती हैं मायके, तो एक बैग लेकर आती हैं, जाती हैं तो 8-10 लेकर जाती हैं। सेम मेरे साथ भी है। और मुझे आप लोगों से ये चीज़ शेयर करनी थी कि मैं इतने दिन अपने घर पे क्यों थी। तो सावन के लास्ट वीक में आई थी, रक्षाबंधन के पहले अपने मायके में। और मैं शादी के बाद पहली बार आई थी। तो जब लड़कियां पहली बार आती हैं तो उनकी विदाई जो होती है वो एक मुहूर्त के अकॉर्डिंग होती है। तो पंडित जी बताते हैं कि विदाई का मुहूर्त क्या है। तो मेरी विदाई का जो टाइम था, मम्मी ने पूछा था, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने, मतलब इनकी मम्मी ने पूछा था, तो वो बताए थे 31 अगस्त को। और 31 अगस्त और 5 सितंबर दो डेट बताए थे पंडित जी ने कि इस दो दिन पे विदाई हो सकती है। तो आज 5 तारीख है और मैं घर जा रही हूँ, मतलब अपने ससुराल जा रही हूँ। इसीलिए मैं कितने दिन अपने मायके में थी, क्योंकि मेरा मन, मेरा घर। तो गाइस इतना सारा सामान है, सब नीचे गिर रहा है। मिठाई भी लेकर आई थी। चिप्स लेना है, ये नारियल का, ये भी तो कराना है ना। हाँ, क्या चाहिए, कैसे खुलेगा ये बताओ, क्या चाहिए। मोबाइल दो। नहीं मिलेगा। एक उधर है, एक मोबाइल दो, धूप में खड़े हैं। बड़ा वाला। कल रात में हमने ना वो खरीदी थी नारियल पानी, तो उसका क्या है, उसने ऐसे खोल के दिया है कि उसमें स्ट्रॉ भी लेकर आया है, वो लगेगा ही नहीं, पता नहीं कैसे दिया है। और हम सुबह खाली पेट निकले, हमें भूख भी लगी है, तो कुछ खाएंगे, चिप्स वगैरह। चाय पीने का तो मन है, लेकिन हमने सोचा खाली पेट चाय नहीं पीते हैं, नारियल पानी पिएंगे। और हम नारियल पानी लेकर भी आए हैं, उसके बाद भी हम उसे पी नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, भैया ने ऐसा कट किया है ना कि वो स्ट्रॉ से भी नहीं होगा, उसको चाकू से शायद अंदर होल करना पड़ेगा अच्छे से, जो कि होगा नहीं। और आपको दिखाऊं, मैं ये ग्रीन वाला लेज लेकर आ रहा हूं जो मैं खाती नहीं हूं। और ये लड़का ना, पता नहीं कितनी देर से, कुछ तो पेमेंट हुआ है तो अभी आवाज़ आई है। यहाँ पे आई थिंक चाय भी मिल रही है क्या, बट मैं वो वाला लेज तो खाती ही नहीं हूँ यार, ग्रीन वाला। तो बोलना पड़ेगा कि वो लेज मत लेकर आओ। और गाइस ये यहाँ पे ना रास्ते में हमारे रेस्टोरेंट पड़ा है, जो कि प्लेन का बना हुआ है। मुझे लगा कि एयरपोर्ट। मैं ये वाला लेज नहीं खाती हूँ, अमेरिकन वाला। लेज कहाँ है बच्चा, वो अंकल चिप्स। अच्छा लेज, यार बेइज्जती कराओगे तो मैं, इतना नहीं पता, मतलब खाती हूँ बट पसंद नहीं है। अंकल चिप्स समझ ही गया है। तू थोड़ी देर और क्या लेकर आए, सिर्फ लेज। कितने रुपए कटेंगे यहाँ पे टोल में? यू डोंट नो, इतनी बार आ चुके हो तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे कितने पैसे कटते हैं। फ्री करा लो ना, जैसे कराया था हम लोग बनारस गए थे, तो
बताओ पहले से भेजना, थोड़ा तेज बोलना होता है क्योंकि इसमें आवाज नहीं आती है, क्या बोलो? पहले से नंबर भेजना होता है उसके लिए। तो गाइस बहुत धीरे बोलते हैं मेरे पति, बट इतना धीरे बोलते नहीं है वो, आप लोगों के सामने थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। क्यों इतना धीरे बोलते नहीं है? रास्ते में अब आप कुछ चीज खाओ, हम लोग थार से जा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे कितना क्यूट लग रहा है ये। फाइनली हमें नारियल पानी का मिल गया अड्डा, पता नहीं अब भैया करेंगे कि नहीं। मैं नारियल उठाती हूँ, ये लो भैया मना कर देंगे तो। ऐसे भैया अच्छे लग रहे हैं, हेल्प तो कर ही देंगे। हम घर से स्ट्रॉ भी लेकर आए, इतना भारी लेकर आए हैं ना, सुनेगा ही नहीं नारियल देखेगा तो। भैया बहुत बिजी लग रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है करेंगे? करेंगे तो करेंगे, ठीक है पता नहीं। तो भैया ने हमारा नारियल काट दिया है और ये वाला भी करना है। बहुत टेस्टी है नारियल पानी। तो ये हमारा आज का पहला पेट में हमारे घुस गया है सबसे पहले नारियल पानी। दोस्त का दो में थोड़ा पहले कम कर, हमें भी दोस्त। तो हम लोग ना वो भी ले रहे हैं, एक मिनट रुकना मैं। हाँ अभी पियो, बढ़िया है। पानी कैसे खत्म हो गया है ही नहीं, दिखाओ मैं टेस्ट करूं कितना था। इसमें पानी ही नहीं है भाई, ला देखने वाला था। इसमें तो है पूरा भरा हुआ था, ये ले लो। ये कैसे है वो भी? नारियल पानी भी ज्यादा नारियल नहीं है। हाँ वो भी दे दीजिए। तुम्हारे वाले में पानी नहीं था तो ये मलाई निकलवा लो ना, निकालेंगे तो फिर हमने फालतू में मलाई वाला लिया था रात में। ये और दे दीजिए, और ले लेंगे बस। करें देखो टेस्ट कैसा है, बढ़िया है। एक और दे दीजिए भैया, एक और दे दीजिए पाइनएप्पल। हम ना नमक वमक लगा के पाइनएप्पल ले रहे हैं और बेचारे के नारियल में नारियल पानी नहीं था। चलो मेरे से शेयर कर लो, बट हमने मलाई वाला लिया था, ये भी तो खाना था। एक का मलाई निकलवा लो ना, निकाल देंगे भैया। तो तुम्हारे में पानी नहीं था, तुम वो खा लेना, मलाई खा लेना ठीक, और मैं पानी पी लेती। ये लो तब तक, या फिर अभी बात कर लो थोड़ा सा। मैं अपना दे रही हूँ, एहसान मानना मेरा ठीक है। ओके पाइनएप्पल मुझे ऐसे कोई काट के देना तो अच्छा लगता है, वैसे बहुत मेहनत लगती है घर पे काटने में खुद से। कितने में? मतलब 50 रुपए में हमने दो पाइनएप्पल भी लिया है और ये वाली गरी जो होती है नारियल ये भी लिया ना, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज में। नारियल पानी नहीं मिला तो क्या, ये सेम वैसा ही लग रहा है, वही चीज है ना। ओके बढ़िया। मम्मी ने घर से स्ट्रॉ दिया था मुझे, मैं ये भी फेंकने वाली थी। बाय। Okay।
क्या खाएंगे? जो मन हो। जैसे यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बस बना दिया है फूड को, कुछ मिलेगा अभी के लिए, सेल्फ सर्विस। चलो देखिए, वड़ा पाव कर दीजिए। एसी वगैरह नहीं है? एसी नहीं है। गाड़ी में बैठना है क्या? हाँ खा लेंगे गाड़ी में। मतलब दो ही, एक वड़ा पाव? हाँ वही, हाँ दो वड़ा पाव जल्दी। हमने ऑर्डर दिया है वड़ा पाव, और वड़ा पाव के साथ चाय कौन खाता है ये बताओ। तो अभी मुझसे बोला गया है फोटो क्लिक करने के लिए, फोन आ रहा है। तो गाइज मैं फोटो कैसे क्लिक कर रही हूँ आप देख लो, फूड कोर्ट के पास। एक मिनट, एंगल चेंज कर दें तो मुझे पैर सही करो। ये रहा हमारा यम्मी सा वड़ा पाव, लेकिन वड़ा पाव के साथ ये वाली चटनी क्यों दिया है बताओ, खा के तुम्हारा रिव्यू चाहिए मुझे। बढ़िया है, बढ़िया देखने से ही बढ़िया लगा। बहुत गर्म तो नहीं है? आराम से खाना, बहुत बढ़िया। मतलब चिली ऐसे करके मुंह, हाँ ऐसे किए रहो, इधर देखो। वाओ भैया, वड़ा पाव दो और करा दो। बहुत बढ़िया आपका। नहीं उसको सुनिए, ऐसा कराइएगा हम लोग चलते चलते खा लेंगे, प्लेट में ना लाइएगा। हाँ हाँ अभी इसी में रखने के। हाँ फाइबर में कर दीजिए। कितने का है ये? 40 रुपये। बहुत बढ़िया है, लेकिन यार दो करा दो। हाँ मैंने तो बोला भी नहीं, तुम डाले ही बोलने वाली थी। क्या वड़ा पाव बहुत टेस्टी है। इसका जो आलू है ब्रेड पकौड़े, घर के तरीके से तो एकदम ब्रेड पकौड़े वाला जो समोसे वाला होता है फिलिंग, हिल रही है गाड़ी। सही बताओ कहाँ हिल रही है? पैर हिला रहे हो तुम? नहीं भाई, इसीलिए हिल रही थी। रुको, अब नहीं हिल रही है, हिल रही थी, हिल रही है। मिर्ची भी बहुत अच्छी। हमारा टेस्टी वड़ा पाव एक और आ गया। तो बढ़िया आ रहा है ना फोटो यहाँ पे। एक अनकहीं से दास्तां, गाना चला दो। सताने के मनाने के। ये देखो अचानक से बारिश भी होने लगी। इतने दिन से हम लोग वेट कर रहे थे बारिश होने का घर पे। हमारा वड़ा पाव एक रखा है, एक में हमने हाफ हाफ खा लिया था, ज़्यादा ही मंगा लिया था। इतनी तेज़ बारिश होने लगी। यहाँ पे रोड पूरी सूखी है, और हमारा ये देखो बारिश, ये कहाँ से आए। तो गाइस फाइनली हम लखनऊ पहुँच गए हैं, हंसते खेलते और वड़ा पाव खाते खाते। और अभी 2:30 होने को है। कितने घंटे में पहुँच गए हम लोग पता नहीं, और मुझे पता नहीं क्यों नींद जैसे आ रही हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग लखनऊ पहुँच गए, इसके बाद अभी तो फ्लैट जाएंगे, प्लॉट चल रहे हैं पहले अपने। तो हम लोग जा रहे हैं, एक प्लॉट है जो आयुष ने लिया है वो देखने जा रहे हैं। यहीं पे कहीं पे प्लॉट है हमारा,
इधर है, इस साइड है, इसके बाद हम जाएंगे घर। कैसे रखा दूर है क्या अभी, बगल है? ठीक, ये जो घर है उसके बगल में प्लॉट है, मैंने देखा, दूर से ही देखी हूँ। सो ये जो घर है ना उसके बगल में है प्लॉट। बटरो बटरो बटर, अरे वो पूड़ी है खाने वाला। हाँ पकड़ उसको, हम डाल। तो गाइस, तो ससुराल आने के बाद ना मैं सो गई थी यहाँ पे, और अभी मैं उठ रही हूँ, 6:30 बज रहे, बाहर अंधेरा हो गया है बिल्कुल भी, और मुझे इतनी भूख लगी थी ना कि मम्मी ने चाय बनाई थी, मैं चाय पीने जा रही हूँ। मतलब मैं ऐसा सोई थी क्योंकि रात में हम लोग मूवी देख रहे थे घर पे, तो हम लोग रात में सोए थे 4-4 बजे तक, और उसके बाद सुबह ही 6 बजे उठ के निकलना था। मतलब मैं पता नहीं क्यों इतनी जल्दी उठ गई थी, निकले तो हम वहाँ से 9:30 बजे थे, 9:30-10 बजे। तो मैं क्या खा रही हूँ, जो वड़ा पाव हमने लिया था ना रास्ते से, ये मेरा बहुत मन करा खाने का, और सच में स्मेल इतनी अच्छी आ रही ना आलू की। मैं उसको मज़े से बैठ के खाने वाली हूँ, शायद मैं डिनर भी नहीं करूँगी। गिराना मत, हाथ लगा दूँगा। तो गाइज हम लोग डिनर कर रहे हैं, डिनर में है आलू टमाटर की सब्जी, रोटी, चावल, प्याज। बहुत टेस्टी खाना बनाया है मेरी सास लोगों ने बनाया मिलके, रोटी मैंने बनाई है और मम्मी ने बनाई है। कुछ सो रही है वो, तो गाइज हमने डिनर कर लिया है, और मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आई डोंट नो ब्लॉग कैसा बना है, बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। हेलो गाइज।